तो अब मैं ये रिलेशन ड्राइव करूंगा, ये तो हमने कर रखा है, ये अब करेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो वी टी रिलेशन में हमने क्या कहता, डीवी अपॉन में डी टी, क्या कहता, और ये क्या आया था, एक्सेलरेशन आया था, क्या आया था, इस केस में हम क्या करेंगे, डी ओमेगा अपॉन वी टी, क्या आएगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या आएगा, समझ गए। अब यही तक था इसका साथ, अब ये अकेला चलेगा नीचे, ठीक है भैया। तो डी ओमेगा क्या होगा, अल्फा डी टी, डी ओमेगा ये होगा अल्फा डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो डी ओमेगा क्या क्या होगा, देखिए ओमेगा को इंटीग्रेट कर रहे हो, ओमेगा की इनिशियल वैल्यू क्या है, ओमेगा आई, फाइनल क्या है, ओमेगा है, ओमेगा आई, ओमेगा है। आपको पता भैया अल्फा जो है वो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, टाइम को इंटीग्रेट करोगे, स्टार्टिंग में टाइम क्या था भैया आपका, जीरो था, बाद में क्या हो गया टी, जीरो से लेके टी। अच्छा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल, अल्फा। डी टी का क्या होगा, टी होगा, जीरो से लेके टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार ओमेगा को ओमेगा फाइनल रिप्लेस करेगा, एक बार ओमेगा इनिशियल, बीच में क्या आएगा, और अल्फा। अगर लिमिट जीरो है तो केवल अपर लिमिट को केवल लिखो टी, तो क्या होगा, ओमेगा फाइनल इक्वल्स में क्या होगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। आगे पहली क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन, अब दूसरी क्वेश्चन देखिए भैया, ये एक्सट्रीलेशन है, तो मैंने लिखा था डीएस अपॉन में डीटी क्या था, वेलोसिटी, क्या था, अच्छा ये वेलोसिटी फाइनल है, ये क्या है, अच्छा फाइनल ही क्यों होगी। देखिए भैया मैं जब भी बोलता हूं इस इंस्टेंट की वेलोसिटी, तो उस इंस्टेंट के लिए वो वेलोसिटी हमेशा फाइनल ही होगी, ठीक है भैया, उस इंस्टेंट के लिए फाइनल। आगे और इंस्टेंट बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी क्या होगी, मतलब जब भी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करोगे तो वो वेलोसिटी क्या होगी भैया, फाइनल होगी, क्या होगी। तो ऐसे ही देखिए डी थीटा अपॉन में डी टी क्या होगा, देखिए डी एस अपॉन में डी टी क्या था, तो वेलोसिटी आ गया, डी थीटा अपॉन में डी करूंगा तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वाली, क्या होगी, अब ये अकेले आएगा नीचे। तो डी थीटा क्या होगा, ओमेगा फाइनल इनटू में डी टी, डी थीटा, ओमेगा फाइनल की वैल्यू क्या है, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी इनटू में डी टी, डी थीटा क्या होगा, ओमेगा इनिशियल इनटू में डी टी अल्फा टी, और ये क्या होगा, डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, उठा ले क्या हुआ, किसकी है, पापा की है, उठा ले, ठीक है भैया। देखिए अब ये आ गया इसको इंटी, अच्छा एक बात बता दूं भैया, जब भी मैं किसी भी इनिशियल चीज की बात करता हूं, मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 100 रुपए से, तो मेरा फाइनली कुछ भी पैसे हो सकते हैं, लेकिन इनिशियल हमेशा क्या रहेगा, 100 रुपए रहेगा। जब भी कोई पूछेगा आपने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा क्या रहेगा, 100। यानी कोई भी इनिशियल चीज क्या होती है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, क्या होती है, तो इंटीग्रेटिंग मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। स्टार्टिंग में थीटा क्या था भैया, 0, और बाद में क्या हो गया, थीटा। ओमेगा इनिशियल क्या होगा भैया, कॉन्स्टेंट है, ओमेगा इनिशियल क्या है भैया, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। इधर क्या हुआ, डी टी का स्टार्टिंग में टाइम क्या था, 0, बाद में क्या हो गया, टी। और अल्फा क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये क्या होगा, टी डी टी। और टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग में 0, बाद में क्या हो गया, टी, समझ गया। यहाँ पे जहां पे टाइम को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो टाइम की लिमिट लगा रहा हूँ, यहाँ पे थीटा को किया तो थीटा की लिमिट लगाई, ठीक है भैया। अच्छा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, 0 से लेके थीटा, ओमेगा इनिशियल, ये क्या होगा, डी टी का टी होगा, 0 से लेके टी। और यहाँ पर टी की पावर क्या है, 1 है, तो अल्फा, ये क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2, पावर एड हो जाती है, 1 में 1 जुड़ गया तो 2, और वही डिवाइड 0 से लेके टी। आपको पता है जहां पर लोअर लिमिट 0 होती है तो केवल क्या लिखी जाती है, अपर लिमिट, क्या लिखी जाती है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू में ओमेगा इनिशियल, और ये क्या होगा, टी प्लस अल्फा, और ये क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है भैया। ये वाली आ गई, फोटो ले भाई जल्दी कर, डेरिवेशन नहीं आएगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं केवल आपको पता रहे इसलिए करा रहा हूं। बाकी क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें से एक ही आएगा। अरे पेपर हमारे बाप ने बनाया है, हमारे बाप जी आते सीबीएसई सेट करने के लिए। ठीक है, उस दिन पता कैसे खींची तूने, देखी होगी तूने अपनी फोटो, ब्लर साले, ऐसे गंदी पूछ मत, मैंने डिलीट कर दी सारी फोटो, अब मैं डिलीट ही कर दी, क्या दिखाऊं,
उस पर जो टेलीग्राम पे तूने शेयर की थी, हो गया भाई? ओए तीसरी इक्वेशन, तो आपको पता है थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए आप वी एक्स रिलेशन का इस्तेमाल करते थे, किसका? Yes. इस बार क्या करोगे? वी एस करते थे, तो इस बार क्या करोगे? ओमेगा थीटा रिलेशन का, किसका करोगे? Yeah. अच्छा इस, ओए इसको क्या लिखते थे? देखिए इसका कोई डीवी अपॉन में डीएस कोई रिलेशन नहीं होता, डीवी अपॉन में डीएस कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं डीवी अपॉन में डीटी एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है भैया? फिर हमने क्या किया था, डीएस से मल्टीप्लाई डीएस से इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, इसको यहां पर, इसको यहां पर, एक्सेलरेशन, फिर मैंने डीएस से यहां पर मल्टीप्लाई डीएस से यहां पर डिवाइड, बाद में इनकी पोजीशन को क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, इसको यहां पर लिख दिया, इसको यहां पर लिख दिया, तो क्या हुआ? डीएस अपॉन में डीटी, अरे क्या हुआ? डीवी अपॉन में डीएस इक्वल्स टू में एक्सेलरेशन, ठीक है भैया? तो अगर मैं देखूं तो भैया डीएस अपॉन में डीटी क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? डी एक्स अपॉन में डीटी या डीएस अपॉन में डीटी वेलोसिटी होता है, और ये क्या हुआ? डीवी, और नीचे क्या गया? डीएस, बन गया ना वीएस रिलेशन, बन गया, और ये किसके बराबर है? एक्सेलरेशन। तो सेम बिल्कुल यही करूंगा मैं, तो डी ओमेगा अपॉन में डी टी क्या होता है भैया? अल्फा। क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने क्या किया? डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड, अब इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दी, तो क्या डी थीटा अपॉन में डी टी और डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा अल्फा, क्या गया? अल्फा है ना, तो उसके बाद क्या हुआ? ये क्या हो गया? ओमेगा डी ओमेगा डी थीटा अल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अभी यहां तक तो हम करते थे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अकेले लेके, तो डी ओमेगा अल्फा थीटा। अब ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा? इसका देखिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा की इनिशियल लिमिट क्या थी? ओमेगा इनिशियल फाइनल क्या थी? ओमेगा फाइनल। अल्फा बाहर आ गया, इनिशियल थीटा क्या था? जीरो। बात का थीटा क्या था? थीटा पीछे लगाया था यार मैंने डायग्राम में यहाँ पे, तो ओमेगा की पावर क्या? वन है। तो इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा? ओमेगा की पावर टू अपॉन में टू, ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल अल्फा, ये क्या हुआ? थीटा जीरो थीटा, एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेगी तो क्या होगा? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, एक बार लोअर क्या होगा? ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ? टू बराबर में अल्फा थीटा, तो ये क्या होगा? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर में माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बराबर में टू अल्फा थीटा। आगे भी है इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक भैया? तो ये केवल इंटीग्रेशन वाले मेथड से पॉसिबल है, और दूसरे मेथड से पॉसिबल भी नहीं है, या फिर नॉर्मल ग्राफिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है, ठीक भैया? तो फोटो ले लो इसकी भैया, हो गया? अब आते भैया इसके क्वेश्चंस पे, दो क्वेश्चंस हैं बढ़िया बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, मिटो इसको। दिखाइयो फोटो, दिखा कोई नहीं, शेयर कर दो, इसको क्रॉप कर दियो, तू और तू रहने ये वाली मत ले, तू तू ओए सुन, तू भी शेयर कर दे, तू शेयर कर दिया रहने, अब मत खींच, अबे यार तेरे, अब तो तेरे को भी तो टेलीग्राम पे आई जाएगी, ओए भाई प्लीज, अरे भैया बोलिए मत प्लीज यार, अब मुझे एक बैच और पढ़ाना है। देख भैया अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करने आ रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, दोनों एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी, ठीक है भैया? एग्जांपल है, देखिए भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में भेज दूंगा अभी, जस्ट अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, देख लेना वहां से कॉपी कर लेना। कह रहा है कि एक व्हील है
जिसकी इनिशियल स्पीड क्या थी भैया? जीरो थी। क्या थी? जीरो। रोटेट ही नहीं कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर टॉर्क लगा। कौन सा टॉर्क? यूनिफॉर्म टॉर्क लगा। ठीक भैया, यूनिफॉर्म टॉर्क यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लाएगा। कौन सा एक्सीलरेशन? एंगुलर एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे हम फोर्स लगाते थे, कांस्टेंट फोर्स लगाते थे, कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन लाता था, वैसे यहां पर कांस्टेंट टॉर्क लगाएंगे और कांस्टेंट टॉर्क की वजह से कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन आएगी। ठीक है भैया, ओए तो हमने क्या किया? कांस्टेंट टॉर्क लगा दिया। टॉर्क क्या लगा दिया? कांस्टेंट। कांस्टेंट टॉर्क लगा दिया तो ये व्हील जो था वो 400 रेडियन घूमा। कितना घूम गया? 400 रेडियन। जैसे डिग्री होती है वैसे रेडियन भी होता है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, 400 रेडियन घूमा। ठीक है भैया, और इतना घूमने में इसको कितना टाइम लग गया? 16 सेकंड। कितना लग गया? 16 सेकंड। ठीक भैया, इनिशियल स्पीड क्या थी? एंगुलर स्पीड जीरो, टॉर्क लगा कांस्टेंट, जिसकी वजह से 400 रेडियन घूमा और टाइम कितना लग गया? 16 सेकंड। ठीक है, तो भैया इसलिए पूछा, भैया पहला बोल रहा है अल्फा निकालिए। क्या निकालिए? अल्फा निकालना। ठीक है भैया, पहले केस में अल्फा निकालना है और दूसरे केस में अल्फा ही निकालना इस केस में। ठीक है भैया, अल्फा। तो भैया ये कौन सी इक्वेशन लगाए? तो भैया आपको जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से सेकंड इक्वेशन हो मोशन। ठीक है भैया, तो हमें पता है भैया क्या होगा? वी नो, हाँ भाई रेडियन में, यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। बिल्कुल, देखिए भैया, तो वी नो थीटा इक्वल्स में क्या होगा? ओमेगा इनिशियल प्लस टी और ओमेगा इनिशियल इनटू में टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये होता है भैया थीटा क्या भैया? 400। ओमेगा इनिशियल क्या भैया? जीरो। टाइम 16, हाफ अल्फा निकालना है 16 का स्क्वायर। अरे 10 सेकंड था मेरे ख्याल से। हाँ 10 सेकंड था, ये 10 सेकंड था, ये स्क्वायर कर दिया। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा आपका 400 और क्या होगा भैया? 50 अल्फा हो जाएगा। 50, ये तो जीरो हो गया 50 अल्फा, तो अल्फा क्या हो गया भैया? 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया भैया? और क्या निकालना? देखिए कॉपी में और क्या निकालना था? 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, टॉर्क नहीं निकालना इसमें। अच्छा, इफ सेम टॉर्क एक्टिंग ऑन इट कैलकुलेट द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 16 सेकंड। अच्छा ओए, सेकंड पार्ट कह रहा है भैया फाइनल एंगुलर स्पीड निकालिए टी इक्वल्स टू 20 सेकंड पर। कब निकालना है? ये निकालना है आपको 20 सेकंड पे फाइनल। तो आपको पता है भैया फाइनल क्या होता है? इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो इनिशियल तो क्या है भैया? जीरो। अल्फा क्या रखा है? 8। टाइम कितना है भैया? 20। तो क्या होगा भैया? 160 रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? हो गया दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। कह रहा भैया कि एक व्हील था जो जिसकी स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी क्या थी? F1 क्या था भैया? 1200 आरपीएम। क्या था? आरपीएम, राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। और मुझे पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है सेकंड में होती है, क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगा। तो भैया अगर 1200 आरपीएम यानी 1200 राउंड पर मिनट कर रहा है तो एक सेकंड में क्या करेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भैया 60 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? आरपीएस में हो गया। क्या हो गया? अब ये फ्रीक्वेंसी बदल चुका है, क्या होगा? 20 आरपीएस। क्या हो गया? तो ओमेगा वन क्या हो जाएगा? अभी बताया था मैंने आपको पीछे, ओमेगा वन क्या होगा? 2πf1, यही तो होगा ओमेगा। ओमेगा 2πf था, ओमेगा क्या था? 2πf था। F1 की वैल्यू क्या है? 20 होगा, 40π रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा इनिशियल आ गया। फिर कह रहा भैया फ्रीक्वेंसी होगी 3120 आरपीएम। क्या होगी? पहले इतनी थी, अब 3120 आरपीएम। आरपीएम फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर 60 से डिवाइड करें। 3120 आरपीएम था, आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा? आरपीएस हो गया। तो क्या होगा भैया? 52 आरपीएस। क्या हो गया? तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा भैया? 2π से मल्टीप्लाई 2πf2, तो क्या होगा? 104π रेडियन पर सेकेंड। ऐसा होने में जो टाइम लगा है, कितना टाइम लगा?
यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? 16 सेकंड लगा है। क्या लगा है? तो आपको पहला निकालना है अल्फा। क्या निकालना है? अल्फा। तो अल्फा कैसे निकलेगा भैया? तो भैया अल्फा निकलेगा भैया आपका ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टी। पहली क्वेश्चन लगाइए, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो ओमेगा फाइनल क्या है भैया? 104 पाई माइनस ओमेगा इनिशियल क्या है? 20 पाई 40 पाई। टाइम क्या है भैया? 16। सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ गया? ठीक है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है भैया थीटा निकालो। क्या निकालना भैया? थीटा निकालने को बोल रहा है। सेकंड पार्ट में थीटा क्या होगा? इतना ही टाइम में 16 सेकंड में थीटा कितना होगा? कैलकुलेट थीटा टी इक्वल्स टू 16 सेकंड। तो भैया कौन सा रिलेशन लगाओगे? सेकंड। क्या लगाएंगे? तो थीटा क्या होता है? ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो भैया ओमेगा इनिशियल अपने को क्या पता है भैया? टी क्या है? 16 हाफ अल्फा, यहां से अपने हमने निकाल लिया और टी कर लोगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इतने टाइम में रिवोल्यूशन। तो आपको पता थीटा क्या होता है? 2 पाई एन। एन क्या है? रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, आपका एन निकालना। तो एन क्या होगा? थीटा अपॉन में 2 पाई। थीटा हमने यहां से निकाल लिया, 2 पाई से कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? तो भैया एक क्वेश्चन से इतना ही मैंने पिछले मीटिंग में पढ़ाया था। फोटो ले लो भैया। कौन ले रहा है फोटो? ले लो भैया इसकी। ये भैया तो मिलते हैं कल की क्लास में, शाम को नहीं आना। टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। अरे यार अभी दूसरा बैच पढ़ाना, बाद में बात।